हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट दास ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में। आपको ध्यान है कि दास ग्रेड एग्ज़ाम के लिए अपनों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है और उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज जो हमारा चैप्टर है वो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को डिस्कस करने का। ये हमारा सेकेंड क्लास है। इससे पहले क्लास वन जो कि आज ही अपलोड की थी उसमें डिस्कस किया था जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। ये उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जो कि डी ट्री प्लस बी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग पोस्ट के लिए चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डी ट्री प्लस बी अपने जो एग्ज़ाम का पैटर्न दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। जिन्होंने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ईजी से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास सेकेंड। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, विश्व जल विकास रिपोर्ट 2019। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2019 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व जल विकास रिपोर्ट, ये जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है कि जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी तो इसका शीर्षक क्या था, इस विश्व जल विकास रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था स्टूडेंट, क्या शीर्षक था? लिविंग नो वन बिहाइंड। क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसका शीर्षक क्या था, तो शीर्षक था लिविंग नो वन बिहाइंड। ये यूनेस्को ने जारी की थी। कौन सी? विश्व जल विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो अस्ताना से ये चेंज कर दिया गया नूर सुल्तान से। अब ये नूर सुल्तान क्यों रखा गया? क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति रहे थे 30 सालों तक। कौन? नूर सुल्तान राष्ट्रपति थे, नूर सुल्तान नजरबायेव। कौन थे? नजरबायेव, जिन्होंने 30 साल तक राष्ट्रपति पद संभाला था। कहाँ? कजाकिस्तान पे। और उन्हीं के नाम पर ये राजधानी रखी गई है कजाकिस्तान की, नूर सुल्तान। और ये राष्ट्रपति का जो उनका कार्यकाल था वो था 1990 से लेकर 2019 तक। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? हाल ही में कौन सा देश सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? देखिए, इन सब की जानकारी एक संस्था देती है, वो है सिप्री। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी ट्रिपल एस भी अपने ऑनलाइन एग्जाम में ये सिप्री दे देगा और पूछेगा कि इस पी की फॉर्म क्या है। तो अपने को सिप्री की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ये रिपोर्ट जारी करता है कि कौन सा देश सबसे बड़ा हथियार आयातक है और कौन सा देश सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। ये जो सिप्री संस्था है ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जारी करता है कि कौन सा देश सबसे बड़ा हथियार आयातक है और कौन सा देश सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। तो अपने को आयातक बताना है कौन सा सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले आता है सऊदी अरब। कौन? सऊदी अरब। और सेकंड नंबर पर आता है भारत, जो कि हथियार आयातक सबसे बड़े दो देश हैं टॉप पे, पहला सऊदी अरब और दूसरा है भारत। अगर निर्यातक की बात करूं तो निर्यातक जो सबसे बड़ा देश है वो है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका, यूएसए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसन्नता सूचकांक। विश्व प्रसन्नता सूचकांक या WHI, जिसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं, में शीर्ष स्थान किसको मिला है? देखिए, सबसे पहले बात करें कि WHI वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ इसको जारी करता है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि फलाना इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है, तो आपको हर इंडेक्स की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो WHI कौन जारी करता है? वो करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब टॉप पे कौन सा है देश? वो है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड पर है डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क। विश्व हैप्पीनेस सूचकांक, या कह सकते हैं कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 में जो शीर्ष स्थान लेके बैठा है वो है फिनलैंड, और सेकंड पर है डेनमार्क।
कौन है? डेनमार्क। अब ये WHO जो अपने बताते हैं कि कौन सा देश टॉप पर है, ये किसके आधार पर चुना जाता है? ये 6 फैक्टर होते हैं स्टूडेंट इसके अंदर, कौन कौन से? पहला फैक्टर होता है स्टूडेंट अपना, वो होता है आय, इनकम के आधार पर चुना जाता है कि इनकम कैसी होगी वहाँ। दूसरा कि वहाँ के लोगों की औसत आयु कितनी, जीवन प्रत्याशा, क्या जीवन प्रत्याशा कैसी है, दूसरा फैक्टर ये होता है। अगर तीसरे फैक्टर की बात करें तो सामाजिक सहयोग आपस में कितना है वहाँ, उसके आधार पर भी देखा जाता है। और चौथा है आज़ादी, फ्रीडम के आधार पर भी देखा जाता है। अगर पाँचवें की बात करें तो मतलब कह सकते हैं बिलीव, विश्वास। और छठा है उदारता। इन 6 फैक्टरों के आधार पर अपने WHO जो टॉप करती है उस कंट्री को जारी किया जाता है। अगर भारत का रैंक देखें तो इस साल भारत का रैंक है 140 किसमें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, और 2018 में ये रैंक था 133। और भारत के अब रैंकों में 7 गिरावट आई है भारत की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश की 2 मस्जिदों पर हुए हमले से 49 लोगों की मौत हो गई? तो ये हुआ था न्यूजीलैंड में, हमला हुआ था कहाँ, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कुंभ मेला 2019 का आयोजन गंगा यमुना और डैश नदी के संगम स्थल पर किया गया था। तो किया गया था गंगा यमुना और सरस्वती तीनों के संगम स्थल पर ये आयोजन किया गया था कुंभ मेला, ठीक है स्टूडेंट। और जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट, इन सब की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसकी जो PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए तो आप वहाँ ऐड हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है DSSB प्रिपरेशन के नाम से है, आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, नहीं तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप इजीली से वहाँ ऐड हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता था? निम्न में से किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता था? तो वो जीता था बेल्जियम ने, किसको हरा कर, न्यूजीलैंड को हरा कर, किसको, न्यूजीलैंड को हरा कर। देखिए पहली बार तो ये जो मुकाबला था वो ट्राई हो चुका था, उसके बाद पेनल्टी शूट आउट के तहत 3-2 से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है EIU द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे महंगे और सबसे सस्ते शहर कौन कौन से हैं? तो देखिए EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी सर्वेक्षण के तहत विश्व के सबसे महंगा शहर और सस्ता शहर का कौन सा आंसर सही है? तो देखिए विश्व का सबसे महंगा शहर है वो तो है सिंगापुर, कौन सा, सिंगापुर। अगर सबसे सस्ते शहर की बात करें तो सबसे सस्ता शहर है वो है दशमक सीरिया, कौन सा, दशमक सीरिया, जो थर्ड आंसर है वो बिल्कुल सही है, ये सबसे महंगा है और ये सबसे सस्ता है। अगर top 3 सबसे महंगे शहरों की बात करूँ तो पहला सिंगापुर आता है, दूसरे पर पेरिस आता है, तीसरे पर क्या आता है, हांगकांग आता है। पहले पर सिंगापुर, दूसरे में पेरिस, तीसरे में हांगकांग। अगर सस्ते शहरों की बात करूं तो सबसे पहले आता है सीरिया, दशमक का नाम, उसके बाद आता है ताशकंद, क्या आता है, ताशकंद। और आपको याद होगा ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री, जब उनकी मृत्यु हुई थी। आपको इस सीरीज में पार्टिसिपेट करना है, हर बार मैं देखूंगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपसे मांगूं, प्लीज़ आप हर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ताकि आपकी भले आपको ना पता हो गूगल पर सर्च करके दीजिए। अब बताना है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था और ये कौन से प्रधानमंत्री से रिलेटेड था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था और कौन से प्रधानमंत्री से रिलेटेड था। सस्ते शहरों की बात कर रहे थे, पहला सीरिया दशमक, ठीक है, दूसरा था ताशकंद, और तीसरा स्टूडेंट कजाकिस्तान, ठीक है। अगर भारत की बात करूँ तो भारत top 10 की अगर सस्ते शहरों की बात करूँ तो पहला सीरिया, फिर आएगा ताशकंद, फिर कजाकिस्तान, चौथे पे बेंगलुरु आएगा, आठवें पे चेन्नई आएगा, दसवें पे कौन सा आएगा, नई दिल्ली आएगा। ये सबसे सस्ते शहरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, नेक्स्ट है चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव करवाए गए थे? देखिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव करवाए गए थे? तो देखिए 17वीं लोकसभा थी, 17वीं और 7 और 7 चरणों में हुआ था एग्जाम, ये जो चुनाव हुए थे 7 और 7 चरण और 17वीं लोकसभा के चुनाव थे। अगर बात करूं, इससे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और उठता है स्टूडेंट,
खैर निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुनील अरोड़ा। कौन थे? सुनील अरोड़ा, जिनके निर्देशन में चुनाव हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, और चुनाव आयोग द्वारा 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव करवाए गए थे, और ये 7 चरणों में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं स्टूडेंट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेश विकसित गाइडेड रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया, इसका क्या नाम है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने स्वदेश विकसित गाइडेड रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है पिनाक। क्या नाम है? पिनाक। ठीक है स्टूडेंट। और ये जो ये अपने कह सकते हैं कि ये जो परीक्षण किया गया था स्टूडेंट, ये किया गया था राजस्थान। आपको याद होगा पोकरण, पोकरण फायरिंग रेंज जो कहाँ है, जैसलमेर राजस्थान में है, वहाँ इसका परीक्षण किया गया था। अब ये पनाक किसके द्वारा तैयार किया था? पनाक दो संस्थाओं द्वारा तैयार किया था, एक तो DRDO जो कि कहाँ है, हैदराबाद में, एक और है आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, जिनके निर्देशन, दोनों के निर्देशन में ये तैयार हुई थी। आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान जो कि पुणे में है, इन दोनों के निर्देशन में ये तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिडन हवाई अड्डे का, हिंडन हिंडन हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, यह किस शहर में है? हिंडन हवाई अड्डा जो कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, यह था गाजियाबाद में। कहाँ? गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2019 को भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसका क्या नाम है? मार्च 2019 को भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मिशन शक्ति। क्या है? मिशन शक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विज्ञान टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किरू पनबिजली परियोजना, हाल ही में किरू पनबिजली परियोजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, वह किस राज्य में है? तो देखिए जो किरू पनबिजली परियोजना है, यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और ये पनबिजली जो परियोजना है, ये कौन सी नदी पर बनाई जाएगी? ये बनाएगी चिनाब नदी पर। कौन सी? चिनाब नदी पर। और जम्मू कश्मीर का एक जिला है किश्तवाड़ जिला, वहाँ ये परियोजना तैयार हो रही है। कौन सी? किरू पनबिजली परियोजना, जहाँ से जो बिजली उत्पादन होगी वो होगी 624 मेगावाट। कौन सी? 624 मेगावाट किरू पनबिजली परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 624 मेगावाट की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व रेल मंत्री, देखिए अब रेल मंत्री चेंज हो चुका है, पीयूष गोयल द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए अलग रेलवे जोन की घोषणा की गई थी, इसका क्या नाम है? हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए अलग रेलवे जोन की घोषणा की गई थी, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम था दक्षिणी तटीय जोन। कौन सा? दक्षिणी तटीय जोन। इसके अंदर 3 मंडल बनाए गए, एक तो गुटुंकुल, विजयवाड़ा और गुटूर। कौन सा? एक तो विजयवाड़ा, एक गुटूर और एक गुटुंकुल। कौन सा? गुटुंकुल। गुटुंकुल, विजयवाड़ा और गुटूर 3 मंडल बनाए गए थे। कौन सी? दक्षिणी तटीय जोन, जो कि आंध्र प्रदेश के लिए एक जोन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, क्रोएशिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तमिसलाव किसे प्रदान किया? क्रोएशिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग तमिसलाव किसे प्रदान किया? तो ये प्रदान किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि रामनाथ कोविंद जी को दिया गया था, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया था अभिनंदन वर्तमान को। किसको? अभिनंदन वर्तमान को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये देखिए वो है क्रिकेट से। कौन से? क्रिकेट से। अब सैयद अली ट्रॉफी है वो 10वां ऑडिशन है, इससे पहले 9 ऑडिशन हो चुके थे, ये 10वां ऑडिशन था जो कि 2018-19 में हुआ था। और इसका जो आयोजन करवाता है स्टूडेंट, वो करवाता है BCCI। कौन करवाता है? BCCI। ये 10वां ऑडिशन था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, इसका जो आयोजन करवाता है वो करवाता है BCCI। अगर फॉर्मेट की बात करें तो एक 2020 फॉर्मेट है, 20-20 ओवरों का खेल है, ठीक है, 2020 फॉर्मेट है। अगर विजेता की बात करूं तो इसको विजेता को जीता था, वो जीता था कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने हराया था महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र उपविजेता था, और विजेता बात करें तो कर्नाटक था। नेक्स्ट देखते हैं, दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? वो जीता था
रोजर फेडरर ने, किसने? रोजर फेडरर ने दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? वो जीता था रोजर फेडरर ने, किसने? रोजर फेडरर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन सनराइज, सैन्य अभ्यास किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑपरेशन सनराइज सैन्य अभ्यास किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो वह है भारत और म्यांमार का। किसका? भारत और म्यांमार का। नेक्स्ट है वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो देखिए जो वर्तमान नौसेना अध्यक्ष हैं वो है वाइस एडमिरल करणवीर सिंह। कौन? करणवीर सिंह। इससे पहले थे सुनील लांबा, जिनके स्थान पर कौन आया? करणवीर सिंह। अगर बात करूं कि नौसेना जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना जो दिवस है वो मनाया जाता है। वर्तमान जो नौसेना अध्यक्ष है वो है एडमिरल करणवीर सिंह। इससे पहले थे सुनील लांबा जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके स्थान पर इनका चयन किया गया है। ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो अच्छी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप लाइक और कमेंट नहीं करते तो वीडियो का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। ठीक है, धन्यवाद।